लेट्स मेक कॉर्न कर्ड. कॉर्न कर्ड इज अ चाइनीज स्टार्टर जो चाइनीज रेस्टोरेंट्स में होता है. उसके लिए क्या चाहिए होता है हमें इज दिस क्रीम स्टाइल कॉर्न. ये कैन क्रीम स्टाइल कॉर्न आता है जिससे कॉर्न सूप बनता है, तो वो एक टिन मैंने यूज किया है. अब मेरे पास यहाँ पे है सम कॉर्न स्टार्च. कॉर्न स्टार्च में हम डालेंगे पानी और इसका ना एक थिक स्लरी बनाना है, ज्यादा पतला नहीं बनना है. स्टार्च जो है वो पानी में अच्छी तरह से घुल गया. करेंगे ये जो कॉर्न स्टार्च है ये सारा का सारा इसमें मिला लेंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं. फिलहाल इसमें हमने कोई सीजनिंग नहीं डाली है. कैन क्रीम स्टाइल कॉर्न जो होता है उसमें सॉल्ट तो होता ही है, बट ऑफकोर्स इट इज़ नॉट सफिशियंट. तो इसमें मैं डाल रही हूँ नमक. सो सॉल्ट डालने के बाद फिर एक बार इसे हम मिक्स करेंगे. मिक्सचर तो हमारा बन गया है. साथ में मैं क्या कर रही हूँ, ग्लास कंटेनर्स जो है उसे हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से, ताकि जो हम इसमें इसे अभी सेट करेंगे तो इसे बस ऑयल लगा के, ताकि बाद में इसमें से डीमोल्ड करने में सुविधा होगी. मोल्ड्स को तेल लगा के ग्रीस कर लिया है. गैस ऑन कर देते हैं. जैसे ये पैन गर्म हो रहा है उसमें ये जो हमने कॉर्न का मिक्सचर बनाया था वो अब हम इसमें डाल लेते हैं. डालने से क्या करना होगा, तुरंत इसे चलाना है हमें. तब तक पकाना है जब तक ये जो मिक्सचर है ये पैन छोड़ दे, तो कॉर्न स्टार्च जो है वो थिक हो जाएगा. देखिए कैसा थिक हो रहा है, बट इट हैज टू गो इवन मोर थिक. फ्लेम जो है वो एकदम स्लो कर दीजिए, थिकनिंग स्लोली स्लोली. जल ना जाए इस पे आपको ध्यान देना है. ये देखिए मिक्सचर देखिए कितना थिक हो गया है. दिस इज एग्जैक्टली जब आपको रोकना है, एंड दिस इज व्हेन यू नो दैट दिस मिक्सचर इज डन एंड नाउ यू कैन सेट इट. ऑल्सो अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज टेस्ट. व्हेन यू टेस्ट दिस यू वोंट फील द पाउडर टेक्सचर ऑफ द कॉर्नस्टार्च. दैट इज अ वेरी वेरी बिग साइन. अगर कच्चा होगा कॉर्नस्टार्च तो इट विल स्टिल टेस्ट वेरी पाउडरी. सो नाउ व्हाट यू डू इज स्विच इट ऑफ, टेक द मिक्सचर एंड पुट इट इनटू द मोल्ड. पतला करना है हमें, ज्यादा थिक लेयर नहीं करना है. इसीलिए मैंने दो मोल्ड्स को ग्रीस किया था, क्योंकि ये इतना थिक है ये अपने आप से फैलेगा नहीं. सो यू हैव टू स्प्रेड इट. दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू नीड टू डू. अभी फिलहाल ये ग्रीस्ड है और थिक है, ऐसे लग रहा है कि अभी डीमोल्ड हो जाएगा. दिस नीड्स टू कूल डाउन कम्प्लीटली, देन यू विल सी व्हाट कॉर्न कर्ड एग्जैक्टली इज. सो आधा घंटा इसे रेस्ट देने के बाद ये जो है पूरा कस्टर्ड जैसा सेट हो गया है. इस तरह से अगर पलट भी देंगे तो भी शायद ये निकल जाएगा. ये देखिए इसे बस इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे फैला देंगे. एंड नाउ वी नीड टू कट दिस इनटू स्मॉलर पीसेस. ओके, सिमिलरली दूसरा भी काट लेते हैं. फिर से गैस स्टार्ट कर लेते हैं, एक पैन रख लेते हैं और इसी पैन में अब हम इसे फ्राई करेंगे. तो इसके लिए पैन में डालेंगे तेल. शैलो फ्राई करना है हमें इसे. तेल जो है हमने शैलो फ्राई करने के लिए इसके अंदर डाल दिया है. सो इसे गर्म होने के लिए हम वेट कर लेते हैं. तब तक देखिए ये जो कॉर्न कर्ड के पीसेस है हमने इसे काट लिए हैं और अभी इसे हम कॉर्न स्टार्च के साथ डस्ट करेंगे. सो जैसे ये एक पीस ले लिया, इसे बस लाइटली इस तरह से कॉर्न स्टार्च में हम डस्ट करेंगे. हाथों पे थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च लगाइए. कॉर्न कर्ड है जब इसे हम फ्राई करेंगे तब इट विल टर्न नाइस एंड क्रिस्पी. इंश्योर की जो कोटिंग है वो एकदम लाइट हो. बिल्कुल इस तरह से सारे पीसेस को कोट कर लेते हैं. इस तरह से हमने सारे पीसेस को कॉर्नस्टार्च से डस्ट कर लिया है. ये देखिए बहुत ज़्यादा थिक डस्टिंग नहीं करी है, लाइटली इसे डस्ट कर लिया है. पैन में तेल भी रखा है, वो भी गर्म हो गया है. एक एक करके ये सारे पीसेस को हमें ऑयल में इस तरह से शैलो फ्राई करना है. इसीलिए एक साथ ही डाल दीजिए ताकि इसे हमें पलट भी देना होगा. सो बाय द टाइम वन साइड इज डन द अदर साइड इज रेडी टू बी फ्लिप्ड. एंड फ्लेम जो है वो थोड़ी सी हाई ही होगी. लो फ्लेम पे अगर हम इसे डालेंगे तो ये वापस सॉफ्ट हो सकता है. सो इट्स बेटर टू डू इट ऑन हाई फ्लेम. इस तरह से पलट दीजिए. सो द बॉटम इज गोल्डन एंड क्रिस्प. वेल अगर आप चाहो तो इसे आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, सो दैट इट हैपेंस इवन फास्टर. अब ऐसा है कि इसे हमने पलट लिया है. जब दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से
ऐसे ब्राउन स्पेक्स आएंगे, इसका मतलब है कि ये रेडी है। आप जब इसे बाइट करोगे तब अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी, दैट इज हाउ द टेक्सचर इज गोइंग टू बी, और अंदर का जो कॉर्न है वो होगा थोड़ा सा स्वीट। तो अलॉन्ग विद दिस यू कैन सर्व अ नाइस स्पाइसी सॉस एंड एंजॉय योर कॉर्न कर्ल।